Huh? Nope. 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 प्राइम आर्मी, तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं नो वेस्ट नो हेलमेट चैलेंज। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये चैलेंज होने वाला है, तो यार चैलेंज को पूरा देखना। एंड गाइस, जो स्टार्टिंग में जो क्लिप देखा आपने वो था कस्टम रूम का। अगर आप कस्टम रूम खेलना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। एंड पबजी मोबाइल लाइट का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा हो, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, जहाँ पर टूर्नामेंट्स और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। एंड गलती से मैं यहाँ पर हेलमेट उठा लेता, तो यार कोई नहीं है, मैं अभी फेंक दूंगा हेलमेट को। अभी थोड़ा लूटने में बिजी था क्योंकि एक बंदा नीचे आया हुआ है ऑलरेडी, तो पहले गन लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, हेलमेट में उतार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे लूट कर लिया और यहाँ पे मैं हेलमेट उतार देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई तू चीटिंग कर रहा है या फिर ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने हेलमेट उतार दिया एंड आवाज़ें आ रही हैं नीचे से और बंदा दिख चुका है, और मैंने कुछ डैमेज लेने की कोशिश की, बट यार यूजी से क्या डैमेज पड़ेगी यार, कुछ नहीं होने वाला यूजी से। तो यहाँ पे मेरे को एकेएम मिल गई है यार, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं हम लोग एकेएम को उठा लेते हैं यहाँ से। बंदा जो है इधर की तरफ गया है, तो चलो भाई देखते हैं कहाँ गया है वो। ओ भाई यहाँ पे हील कर रहा था और भाई ख़त्म हो गया भाई, एकदम फिनिश। तो चलो अभी इनकी माल पानी हम लोग लूट लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ बंदे ढूंढने। एंड आप सभी लोगों को मैं बता दूं यार, डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग ऐसे फन करते रहते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखा उसके साथ साथ अभी मैं एक लास्ट में एक क्लिप डालूंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा फनी है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। एंड साथ ही साथ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पे एक मेरे को बंदा दिख जाता है जिसे मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ, और एक और दिख जाता है जिसको मैं उसको भी मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके हैं इजिली। एंड अभी देखो 2 बोट जो है कि दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ से लेट के फिनिश कर देता हूँ। एक को तो मैं मार देता हूँ, एक बहुत दूर होता है, चलो उसको भी देते हैं। और यहाँ पे मेरे 5 किल हो चुके हैं। तो यार बिना मेहनत के 5 किल हो चुके हैं यार, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी क्या करते हैं, इनकी माल पानी हम लोग लूटेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो देखते हैं भाई क्या क्या रखे हैं इन लोग। तो ज़्यादा कुछ मेरे को चाहिए नहीं, बस थोड़ा बहुत एमओ चाहिए और थोड़ा हेल्थ का सामान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी चलो निकलते हैं आगे की तरफ। इधर भी फायरिंग आ रही है, तो यार देखते हैं, इधर से भी फायरिंग आ रही थी और ये फायरिंग आ रही है, और मेरे को भी शॉट पड़ने लगते हैं पीछे से। पता नहीं कौन बंदा होता है भाई, क्या बताऊँ मैं, बाल बाल बच जाता हूँ, कैसे मैं बचता हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं तो कूद कूद के बच जाता हूँ मैं। और भाई बंदा रुकता भी नहीं है, डायरेक्ट मेरे पे पुश कर देता है, तो मैं जल्दी जल्दी हील करता हूँ एंड जल्दी से बगल से आ जाता हूँ, और देखो भाई क्या होता है। तो यार इजिली जो इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। और गाइस एक तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि यार ना तो वेस्ट है ना तो हेलमेट है, अगर 1-2 बुलेट भी लगी ना तो भाई ख़त्म हो जाऊँगा मैं। तो इसको मैं फटाक से लूट लेता हूँ, मतलब इसके पास जो भी माल पानी होती है सारा लूट के हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यार अभी बंदे ढूंढ ढूंढ के तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि यार बंदे तो मिलते नहीं हैं। तो अभी मैं उसको लूट चुका हूँ, और यहाँ पे जो है कि सामने से फायरिंग आ रही थी, तो मैं सोचूंगा यार चलो सामने जो गाड़ी है उस गाड़ी को मैं लेके जाऊँगा, और यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि आसपास बंदे तो नहीं है। अगर मैं ओपन में आ जाऊँगा तो वो लोग इजिली जो फिनिश कर सकते हैं। तो मैं फटाक से पहले गाड़ी लूंगा एंड फिर निकलूंगा आगे की तरफ, देखूंगा बंदे कहाँ पे आए आखिरकार। फायरिंग तो इधर ही से आ रही थी, तो देखते हैं भाई कहाँ पे बंदा। तो मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो कि रेड घर की तरफ जा रहा होता है, देखो अंदर चला गया। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ एंड अब यहाँ से ग्रेनेड करूँगा मैं। तो यहाँ पे हल्का सा नेट जो है कि कनेक्ट हो जाता है, तो यार मेरे को मौका मिल जाता है पुश करने को, तो मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। ओ भाई जो मैंने मारा इस बंदे को ना यार, तुम लोग मतलब इस बात पे एक लाइक तो कर ही दो यार, मतलब देख रहे हो भाई 1 HP वो भी विदाउट वेस्ट हेलमेट घुस गया रस करने। इससे मारने के बाद से पता चलता है कि भाई सामने जो है कि एक और बंदा है। अब यार मेरे तो फटके हाथ में आ जाते हैं यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या, और यार उस पर रस भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ चलो भाई थोड़ा सा नीचे उतर के देखता हूँ आसपास की, मतलब
दिख जाए तो फिर मारूंगा, बट यार दिखता भी नहीं यार, ना हिलता है ना डुलता है यार, कुछ भी करता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं भाई, क्या पता दिख जाए तो भाई यहाँ से हम लोग शॉट ले सकते हैं। लेकिन यार बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब देखो मैं उसको कैसे मारता हूँ, ऐसे मारता हूँ ना यार तुम समझ नहीं पाओगे अभी, देखना कैसे उस बंदे को मैं मारूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बोट वाला फायरिंग करने लगता हूँ। जानते ही यार बोट, बोट का नाम लेते ही भाई बंदे घर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बोट वाली फायरिंग कर रहा था, देखो बंदा निकल गया बाहर घर के, और यहाँ पे मेरे को मौका मिल जाता है और इसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो ये ट्रिक भी आप ज़रूर से ट्राई करना यार, बहुत जगह काम आता है, मतलब बोट फायरिंग करके। अब इधर से भी फायरिंग आ रही थी यार, और इधर से भी गन की आवाज़ें आ रही थी, फिर मैंने बोला छोड़ो अब इनको, अब सीधा हम लोग जोन पकड़ लेते हैं। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार कभी भी जोन के बाहर फाइट मत लिया करो, सबसे पहले आप जोन जाओ फिर आके फाइट लिया करो। तो यहाँ पे जोन इधर ही साइड बनी थी, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सिंक डेल्टा की तरफ, और यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप गिरा होता है, और बंदे भी यहाँ पे आसपास दो तीन बंदे होते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे इस रूम में जाता हूँ, मेरे को पता चलता है कि सामने से कोई बंदा जा रहा है, आवाज़ें आ रही थी। अब देखो कैसे मारता हूँ, तो भाई कैसे भी करके इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे 9 किल हो चुके हैं, और सामने एक और बंदा है। तो अब मैं उसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूँ, कोई एंगल उंगल मिलेगा तो मैं मारूँगा उस बंदे को। तो ऊपर आके मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा है कहाँ वो, तो मेरे को यहाँ से दिख जाता है बंदा सामने वाले बिल्डिंग में ऊपर से। तो मैं यहाँ से एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, बट यार वो बिल्कुल भी अब ना तो पिक करता है ना कुछ भी, आराम से मतलब उसी में बैठा ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं रश तो कर नहीं सकता, क्योंकि यार पूरा ओपन एरिया है और मेरे पास ना तो वेस्ट है ना तो हेलमेट है। तो मैं यहाँ पे जोन का वेट करता हूँ, और जोन आते ही मैं निकल लेता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि यार सबसे पहले मेरे को जोन में जाना था। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ इस बंदे को, और सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि जोन अगर कवर में रहेगा तो फिर हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे दो गाड़ियाँ थी मेरे पास, तो मैं एक गाड़ी लेके निकल लूँगा। तो यहाँ पे एक डासिया था, डासिया लेके निकल लूँगा मैं, क्योंकि डासिया में फ्यूल अच्छी थी, भरी भरी थी। तो मैं यहाँ पे निकलता हूँ, अब देखो मेरे साथ होता है क्या है। गाइस मैं जैसे मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ भाई, एक बंदा यहाँ पे लेटा होता है, तो यार अब देखो मैं इसको कैसे मारता हूँ। तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके घूमता हूँ, और ये देखो क्या बताओ यार, गजब का कैंपर था भाई, मज़ा आ गया मतलब। तो इसे मारने के बाद से मैं सीधा निकल लेता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि यार जोन जो है आगे की तरफ बनी थी, और मैं ये पहले वाला घर पे ही रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि इसका हाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं यहाँ से एंगल ले पाऊँगा अगर बंदे आएंगे तो, इसलिए मैं ज़्यादा हाइट पे लेता हूँ। और मेरे को पता चलता है जब मैं ऊपर जा रहा होता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि भाई यहाँ पे भी एक कैंपर है भाई साहब। जब वो गन रिलोड करता है तो मेरे को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे भी एक कैंपर बैठा हुआ है। तो यार मैं बहुत टाइम तक वेट करता हूँ बट आता नहीं है, तो मैं सीधा रश कर देता हूँ। और देखो कैंपिंग देख रहे हो, क्वाड लेवल कैंपिंग चल रही है इनकी। तो मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ फिर से हील करते हुए, और साथ ही साथ बंदा जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो कोई नहीं देखते भाई आने दो उनको। तो भाई ये देखो भाई आके एकदम नीचे की तरफ देखने लगता है, वो ये करता क्या है मुझे नहीं पता, बट इस पे रस करके मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ उसको। तो इसको मार देता हूँ इजीली, और इसकी माल पानी हम लोग लूट लेंगे। यार एकदम से नीचे आया, और नीचे आने के बाद से नीचे ही देखने लगा, क्या बात है यार। तो यार जोन इतना छोटा हो जाता है, और इतने में भाई 5 बंदे अलाइव होते हैं। अब यार क्या बताऊँ मैं, अब मैं सीधा ये वाला घर जो है कवर कर लेता हूँ, ताकि मुझे कुछ कवर मिल सके। और आसपास बंदे होते हैं, नेट पे नेट आता है भाई, क्या बताऊँ एकदम तबाही मची रहती है यहाँ पे। और गाइस चारों तरफ बंदे होते हैं, तो यार मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, अभी देखना एक नेट से कैसे फूटेगा। तो ये देखो एक नेट से फूटा किस तरीके से, तो यार थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी जोन जो है कि एकदम पास आ गई थी, तो फिर मैं सोचा कि बाहर निकल लेता हूँ, क्योंकि अभी इधर साइड में तो कोई नहीं है, आराम से मैं चेक कर लेता हूँ भाई इधर साइड में कोई है तो नहीं, वैसे होता कोई नहीं है। तो फिर मैं आगे की तरफ देखता हूँ भाई बंदे हैं कहाँ एक्चुअली में। अब यहाँ से मेरे को तो एंगल मिल जाएगा, अगर कोई बंदा आता भी है तो उसको मैं इजीली मार सकता हूँ। तो यार कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा बैड था, और देखो यार हर जगह बंदे, और जोन भी एकदम पास में आ गया था, और एक बंदा वहाँ पे मेरे को दिख जाता है देखो साइड में। तो मैं सोचता हूँ यार वो तो जोन से आया है, तो थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं उस पे रश कर देता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। तो यार देखो हो सकता है मेरे साथ।
तो यार उसने 3 या 4 बुलेट मारे होंगे मेरे को, और हेड पे मारा भाई उसने, तो यार इजीली मेरे को फिनिश कर दिया। तो फिलहाल तो ये चिकन डिनर तो हुआ नहीं, लेकिन गाइस ये जो चैलेंज है ना यार, बहुत खतरनाक चैलेंज है। अब यार इसमें चिकन डिनर लेना यार बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और साथ ही साथ एक और वीडियो देख लो जहाँ पे हम लोगों ने कस्टम में बहुत कुछ किया था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे के पूरे मैप की गाड़ियाँ उठा लाए थे और यहाँ पे हम लोग तबाही मचा रहे थे। अब देखना एक गाड़ी कैसे उड़ेगी, ये देखो अभी, ये देखो, ओ भाई साहब तबाही थी। अब देखना अभी एक और इधर से जब फायरिंग होगी तब देखना कैसे गाड़ी उड़ेगी। यहाँ पे हम लोग मतलब गाड़ी को फोड़ रहे थे लाके बीच में, यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। अब देख लो इसको, इसी ये गाड़ी कैसे उड़ी, ओ भाई साहब तबाही। सो यार इस बार तो एक वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दो, एंड कैसा अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना गाइस, कस्टम रूम आओ खेलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।